आज तक इस परिवार पर टूटे दुखों के पहाड़ को तेरी लीला समझकर तेरे ही सहारे कांधा देती आई, पर अब लगता है तेरे इम्तिहान की घड़ी समाप्त हुई और खुशियों ने एक बार फिर इस घर को आबाद किया है। हर उस कदम को रोक देना जो उसकी खुशियों के आड़े आए। कहते हैं ना, खून के रिश्तों को ममता से सींचना पड़ता है और ममता के रिश्तों को खून से। इसलिए आज मैं प्रार्थना करती हूँ तुझसे का, जब मेरी बेटी अपने प्यार से मिलने वाली है तो विनती है तुझसे का ना, उस हर कदम को रोक दे जो उसकी खुशियों के आड़े आए। कहते हैं खून के रिश्तों को ममता से सींचना पड़ता है और ममता के रिश्तों को खून से। इसलिए आज प्रार्थना करती हूँ तुझसे का कि मेरी बेटी को जीवन भर की खुशियाँ, मेरी बेटी की शादी बिना किसी अड़चन के संपन्न हो, मेरी ममता की लाज रखे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, करूँ तो क्या करूँ? मेरी एक बात मेरे घर की सारी खुशियों को तबाह कर देगी। तो क्या मैं वृंदा को उसकी शादी में तोहफे में इतना बड़ा झूठ दूं जो आगे चलकर उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर देगा? क्या पता, क्या पता, इंसान बदल भी तो सकते हैं ना। हो सकता है विक्रम सचमुच में वृंदा से। अरे राशि, तू यहाँ? चल कर क्यों आई? मुझसे कह देती मैं आ जाती। क्या बात है राशि, परेशानी है कोई? बोल ना बेटा, अपनी अम्मा को नहीं बताएगी? अच्छा, शायद ये बताना चाहती है अपनी अम्मा को कि अब राशि खुद चल सकती है, इसलिए अपनी बहन वृंदा की शादी के हर उत्सव मेरी ये बेटी मौजूद रहेगी। लेकिन उससे पहले माँ बेटी मिलकर कान्हा को धन्यवाद देंगे, उन्हीं के आशीर्वाद से तो तू इतनी जल्दी ठीक हो रही है। मेरे बच्चों के जीवन में यूं ही सुख का संकेत बनकर बसे रहना। तुम्हारा इशारा किस तरफ है भगवान, ये तो मैं नहीं समझ पा रही, लेकिन मेरे परिवार की खुशियां छीनने का मुझे कोई हक नहीं। शायद ये राज मुझे छुपा कर रखना होगा। भगवान, वृंदा के लिए मैं बस यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि जो धोखा मेरे साथ हुआ है वो वृंदा के साथ कभी ना हो।